वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एलवर्डेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश गाइस, वेदर इट इज यूपी बोर्ड और सीबीएसई, इन बोथ बोर्ड एग्जामिनेशंस दिस टॉपिक इज रेज्ड कंपल्सरी। लेट्स सी, आओ देखते हैं कि इस टॉपिक को चेंज करने के लिए सबसे पहले फाइव इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं। सबसे पहले चेंज करते हैं अपनी वर्ब को, सेकंड नंबर कॉमा, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर एंड लास्ट फिफ्थ। गाइस, ये पांच चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत चेंज की जाती है। इस पार्ट में जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम चेंज नहीं करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है ये भी चेंज नहीं होता है। जैसा हमको दिया जाता है ठीक वैसा ही हम चेंज कर देते हैं। गाइस, वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। सबसे पहला पार्ट होता है जो वर्ब का, जिसमें प्रेजेंट साइड, पास्ट साइड और फ्यूचर साइड, तीनों साइड दी गई हैं। जब हमारी वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है या फ्यूचर टेंस में, पास्ट टेंस को छोड़कर किसी भी टेंस में जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, तो हम अपने रिपोर्टेड स्पीच साइड जो टेंस दिया रहता है उसको चेंज नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? यस। तो इस साइड जो हमारा टेंस होता है वो चेंज नहीं होता है। हम नाउन प्रोनाउन को चेंज करते हैं और अपनी सिचुएशन को। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब साइड की जो वर्ब होती है, सेड, टोल्ड या आस्क्ड, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब साइड में पास्ट टेंस की वर्ब होती है तो हम अपने टेंस को कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। जब प्रेजेंट होता है तो पास्ट में, पास्ट होता है तो पास्ट के परफेक्ट में। तो टेंस को दो सीरीज में डिवाइड करते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। जब रिपोर्टिंग वर्ब के साइड वाली वर्ब में इसका टेंस जब पास्ट में होता है तो हम अपने टेंस को चेंज करते हैं। अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में दी जाती है तो हम इस साइड टेंस को चेंज नहीं करते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत होता है। नाउन प्रोनाउन को चेंज करने के लिए रूल होता है सन ऑब्लिक 1 2 3। सन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकेंड पर्सन यू, ऑल द रेस्ट सब्जेक्ट, जो भी बाकी के सब्जेक्ट होते हैं वो थर्ड पर्सन की तरफ जाते हैं। नियरनेस साइड में दिस का दैट, टुडे का दैट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, नाउ देन। इस साइड जो नियरनेस में जो भी हमारी एडवर्ब्स होती हैं इनको अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया जाता है। बात आती है सेकेंड नंबर कॉमा को चेंज करने की। जैसा कि स्लोगन होता है, कॉमा हटाओ दैट लगाओ, सही कहा, कॉमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले देखा जाता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस चीज से स्टार्ट है। अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, किससे, ठीक कहा, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट से जब स्टार्ट होता है तभी कॉमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। अदर केसेस में अन्य कंजक्शंस जो होते हैं उनका यूज किया जाता है। वीडियो को पूरा देखें, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। अब हम एग्जांपल के माध्यम से आपको बताएंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो ये फिगर है, जो शॉर्ट ट्रिक मेथड है, थ्योरी को हटा दिया गया है और शॉर्ट ट्रिक फिगर मेथड से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा करने की कोशिश। यस गाइस, ये आपका एग्जांपल नंबर 1। राम सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम अ स्मार्ट बॉय।
ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है. असर्टिव सेंटेंस मीन्स स्टार्ट्स फ्रॉम सब्जेक्ट वेदर इट मे बी निगेटिव और एफर्मेटिव बोथ. जैसा कि आपको बताया कि कॉमा से पहला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब साइड में हम अपने सब्जेक्ट को चेंज नहीं करते हैं, तो सब्जेक्ट राम है, राम की जगह पर राम लिखती है. सेकेंड सेज, आपको पता है जब वर्ब के बाद में टू लगा होता है तभी वर्ब को चेंज किया जाता, अदरवाइज केसेस में सेम टू सेम राइट कर देते हैं. तो सेज को चेंज करते हैं, सेज में कॉमा हटाओ दैट लगाओ, कॉमा हटाओ दैट लगाओ. आई को चेंज करते हैं, आई इज अ प्रोनाउन, आई हमारी प्रोनाउन है, तो आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट. सही कहा, आई कौन सा प्रोनाउन होता है, फर्स्ट, और फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट हमारा है राम. राम के लिए हम लिख सकते हैं प्रोनाउन के रूप में ही, अगर कोई गर्ल होती है तो प्रोनाउन के रूप में लिखा जाएगा सी, ही लिखा. अब हम चेंज करते हैं टेंस को, टेंस आप देख रहे हैं एम लिखा है, प्रेजेंट का टेंस है. अगर ये प्रेजेंट का टेंस है, ये चेंज किस पोजीशन में किया जाता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब साइट में वर्ब को पास्ट में दिया जाए. गाइस आप देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब साइट में लिखा है सेज, सेज मींस प्रेजेंट वर्ब, तो अगर इस साइट प्रेजेंट या फ्यूचर होता है तो हम अपने टेंस को चेंज नहीं करते हैं. प्रेजेंट होता है तो ही के अकॉर्डिंग इसका यूज करते हैं. रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को जैसा का तैसा लिख देते हैं. ये रहा हमारा एक एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा. हरी सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू डू नॉट गो नाउ. दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस मीन्स असर्टिव सेंटेंस. ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस की तरफ जा रहा है. गाइस वेरी सिंपल, रिपोर्टिंग वर्ब, ना सब्जेक्ट चेंज करेंगे ना ही ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे. लिखा है सेड टू, क्या बोला था, टू होगा, वर्ब चेंज होगी, पास्ट की वर्ब है. सेड टू को चेंज करने के लिए क्या लिखते हैं, टोल्ड. सेड टू दिया जाता है एफर्मेटिव केस में, तो क्या लिखेंगे, टोल्ड, कॉमा हटाओ, सही कहा, दैट लगाओ, क्या लगाएंगे, दैट. अब हम चेंज करते हैं यू, अपना टेंस, अपनी प्रोनाउन. यू इज द सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में ओनली वन सब्जेक्ट होता है यू. इन पोएट्री केसेस में दाऊ भी बोलते हैं. यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं मेरे पास क्या दिया गया है, मी. यू सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है. मी को हम सब्जेक्ट की साइड ले जाते हैं और मी का सब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, तो हम लिखेंगे आई. यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पास पहुंचते हैं, ऑब्जेक्ट हमें मी मिल रहा है, मी को हम सब्जेक्ट रूप में आगे लाए, मी का लिखा आई. गाइस इंपॉर्टेंट पार्ट को पिकअप करते हैं, डू नॉट गो मीन्स हमारी वर्ब साइड है. इस साइड को हम केवल तब चेंज करते हैं जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है, पास्ट की पहचान लास्ट में डी होना, सेड टोल्ड आस्क्ड लास्ट में टी होना, ये पास्ट टेंस की वर्ब है. पास्ट टेंस में हम इसको चेंज कर देते हैं, जैसा कि हम जानते हैं डू नॉट दिया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो प्रेजेंट के सारे टेंसेस जो भी चार टेंस होते हैं प्रेजेंट को हटाते पास्ट का नाम लगा देते हैं, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा. पास्ट इंडेफिनिट में डू का करेंगे डिड, नॉट की जगह नॉट, गो की जगह गो,
नाउ क्या है? सिचुएशन, पोजीशन। तो नाउ को बदलने के लिए लिखेंगे देन, DHEN। दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें और पूरा वीडियो देखें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में इंटरोगेटिव सेंटेंस से कनेक्ट आपको एग्जांपल्स दिए जाएंगे। तो अगले वीडियो में आप इंटरोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस से संबंधित क्वेश्चंस कर सकते हैं और उसका वीडियो आपको सेंड किया जाएगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक्स अ लॉट।